दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को घूमने का शौक होता है। बहुत सारे लोगों को नई चीज़ें, नई जगह और उनके पीछे की हिस्ट्री को जानने का शौक होता है। पर कुछ ऐसी जगह है जिधर हम ना जाए उसी में हमारा भला होता है। उनके बारे में ना जाने वही हमारे लिए अच्छा होता है। आपको कैसा लगेगा कि अगर आप एक जगह घूमने गए पर उधर चारों तरफ कुछ डरावनी डॉल्स लटकी हुई है? बहुत अजीब फीलिंग आएगी ना। जी हाँ, एक ऐसी जगह है जिसे आइलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर आपको चारों ओर कुछ क्रीपी सी डॉल्स लटकी हुई दिखाई देगी। इसके पीछे क्या राज है, इसके लिए थोड़ी इसकी हिस्ट्री जान लेते। यह जगह मेक्सिको में स्थित है और यह घटना 1950 की है, जहाँ जूलियन सैंटाना बरेरा नाम का व्यक्ति उस जगह पर रहता था और उस जगह की देखभाल करता था। एक दिन जूलियन फिशिंग कर रहा था, तब अचानक उसके सामने एक लड़की की डेड बॉडी बहकर आती है और उसके पीछे पीछे एक डॉल भी बहकर आती है। जूलियन उस लड़की की डेड बॉडी को दफना देता है और उस लड़की की आत्मा को सम्मान और रिस्पेक्ट देने के लिए उस डॉल को एक पेड़ पर लटका देता है। और उसके बाद जूलियन के साथ बहुत सारी अजीब अजीब घटना घटने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा ने उसको वश में कर लिया था, क्योंकि उसके बाद जूलियन पूरे आइलैंड से अजीब अजीब क्रीपी सी डॉल्स कलेक्ट करता था और उसे पेड़ पर लटका देता था। ये डॉल्स इतनी डरावनी दिखती थी कि कुछ डॉल्स के पैर नहीं होते थे तो कुछ डॉल्स के हाथ और मुंह। 50 साल तक जूलियन डॉल्स को कलेक्ट करता रहा और पूरे आइलैंड पर उन्हें लटका दिया। पर 2001 में जूलियन सैंटेरा की बहुत रहस्यमय तरीके से मौत हुई और उसकी बॉडी उसी जगह पर मिली जहां उस लड़की की मिली थी। उधर रहने वाले बहुत सारे लोगों को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी महसूस हुई। बहुत सारे लोगों ने उन डॉल को बात करते हुए देखा है तो कुछ लोगों ने उनके सिर, हाथ पैर भी हिलते हुए देखा है। उस तालाब के नजदीक रहने वाले कुछ लोगों ने उन डॉल्स को आइलैंड से नीचे आते हुए भी देखा है। अभी के लिए ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ लोग जाते और जूलियन और उस लड़की को ट्रिब्यूट देने के लिए डॉल्स को लटकाते। पर उसी दौरान बहुत सारे टूरिस्ट को कुछ पैरानॉर्मल स्पिरिट का भी एहसास होता है। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी उस लड़की की आत्मा उन डॉल्स में, अभी भी वो आत्मा उस जगह पर मौजूद है? कमेंट में जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तभी के लिए बाय।